नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एंड फीटल मेडिसिन। आज हम लोग ऐसी समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि लेडीज में, अपनी गर्ल्स में बहुत कॉमन है, मैरिड अनमैरिड सब में बहुत कॉमन है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पीसीओएस के बारे में। इस डिजीज की कैसे डायग्नोसिस बनती है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या हम लोगों को कौन सी जांच करानी चाहिए जिससे डायग्नोस, क्यों होती है, और फाइनली हम लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे इसमें आराम मिल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, पीसीओएस है, एक हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होती है। इसमें लेडीज में, गर्ल्स में मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, फीमेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं। इसकी वजह से इसके सारे सिम्टम्स होते हैं। हम लोग जानेंगे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम्स है जो पीरियड्स है उनकी इरेगुलरिटी, या पीरियड्स कम होना या पीरियड्स ज्यादा होना। तो दोस्तों, इसके जो सिम्टम्स हैं एक स्पेक्ट्रम है, बहुत कम सिम्टम से बहुत ज्यादा सिम्टम तक हो सकता है। नंबर टू क्या होती है दोस्तों, जो मैरिड लेडीज होती हैं उनमें इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, मतलब उनको कंसीव करने में, उनको प्रेग्नेंट होने में बाधा होती है, जिनको ये पीसीओडी होता है। फिर दोस्तों ओबेसिटी, जिन लेडीज को या गर्ल्स को पीसीओडी होता है उनमें ओबेसिटी बहुत पाई जाती है, मतलब उनमें मोटापा की संभावना भी ज्यादा होती है। फिर दोस्तों हेयर्स, फेस पे हेयर्स, एब्डोमेन पे, पेट पे हेयर्स, थाइस पे एक्सेसिव हेयर्स, ये भी बहुत कॉमन कॉज है, क्योंकि मेल हार्मोन्स ज्यादा होते हैं तो ये हेयर्स की समस्या भी ज्यादा होती है, एक्नी बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद कुछ लेडीज जिसमें एक्सट्रीम स्टेज पे पीसीओडी होता है, या गर्ल्स में, उसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, या साथ साथ डायबिटीज या कार्डियोवैस्कुलर रिस्क की भी संभावना पाई जाती है। तो दोस्तों, इस चीज को जैसा कि हमने देखा कि इसमें मेल हार्मोन्स ज्यादा हो जाते हैं, फीमेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो इसकी डायग्नोसिस कैसे बनेगी। तो सबसे पहली चीज इस सिम्टम्स को ध्यान रखें। अगर ये सिम्टम्स हैं आपके, अगर आपको ऐसे लक्षण प्रतीत होते हैं, तो अपने डॉक्टर से मिलें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, अपने रेडियोलॉजिस्ट से मिलें, तो वो आपको एक अल्ट्रासाउंड एडवाइस करेंगे। मैरिड लेडीज में इंटरनल अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड बेस्ट अल्ट्रासाउंड है, टीवीएस ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, और अनमैरिड गर्ल्स में हम लोग लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करके इसमें जानकारी पा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में ओवरीज का साइज बड़ा मिलेगा, जो 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 रेंज है, नॉर्मल रेंज है, उसे बड़ा मिलेगा, और जो उसमें फॉलिकल्स हैं वो बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगे। यूजुअली रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन पीसीओडी के केसेस में बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगे। और कलर डॉपलर भी कर सकते हैं, कलर डॉपलर भी इस डायग्नोसिस को बनाने में सहायक हो सकती है। उसके बाद दोस्तों ब्लड टेस्ट, हार्मोनल लेवल्स का टेस्ट करना बहुत ही आवश्यक है। इसमें हम लोग कौन कौन से टेस्ट करते हैं, LH, FSH, सीरम टेस्टोस्टेरोन, फास्टिंग इंसुलिन, स्ट्रोजन, ये सारे टेस्ट होने चाहिए जो महिलाओं को पीसीओडी का संशय है। ये सारे टेस्ट सेकेंड डे और पीरियड्स पे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम पे जो है। तो उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा कि सिम्टम्स देखे, अल्ट्रासाउंड से इसकी डायग्नोसिस बन सकती है, ब्लड टेस्ट से मिल सकती है। तो अब अगर डायग्नोसिस कन्फर्म हो गई तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस डायग्नोसिस के कंफर्म होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पिलर पीसीओडी के ट्रीटमेंट में है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में पहली चीज स्ट्रेस को कम करें लाइफ से, और उसके बाद ये अपनी ओबेसिटी को, जो मोटापा है, उसको कम करने का प्रयास करें। उसके लिए आप एक्सरसाइजेस रेगुलरली कर सकते हैं, फूड हैबिट्स, जंक फूड्स को अवॉइड करें, और अपने हेल्दी फूड्स को लें। उसके बाद अगर आपको मेडिकेशंस की जरूरत पड़ती है तो कई बार पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए हार्मोनल, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, उसको दिया जाता है। उससे मेल हार्मोन्स डाउन होते हैं, फीमेल हार्मोन्स अप होते हैं, और वो चीज आपको ओवुलेशन में हेल्प करेगी। जिन लेडीज में ब्लड शुगर ज्यादा पाया गया या इंसुलिन लेवल हाई पाए गए, उनमें मेटफॉर्मिन नाम की एक दवा दी जाती है जो कि बहुत हेल्पफुल होती है। उसके बाद दोस्तों कुछ कुछ लेडीज में बाकी जो दूसरे सिम्टम्स हैं, जैसे हेयर्स का या एक्नी का, उन सब का भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत ही रेयरली जब ड्रग्स से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से नहीं फायदा होता है, तो एक सर्जिकल टेक्निक होती है जो लैप्रोस्कोपिक से की जाती है। जो फॉलिकल्स होते हैं उनको ड्रिल किया जाता है, उनमें होल्स किए जाते हैं, वो भी एक चीज फाइनल ऑप्शन होता है ट्रीटमेंट का। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, पीसीओडी है, इसमें हम लोग कैसे इसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं, कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं, और फाइनली इसका हम लोग कैसे इससे मुक्ति पा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।